इस बीच सबसे बड़ी खबर, पीड़िता और उसके दोस्त के बीच हाथापाई हुई थी। सबसे नई तस्वीर सामने आई है, दोनों लड़कियों के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आया है। कंझावला कांड का सबसे लेटेस्ट वीडियो इस वक्त हमारे पास है, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे अब से थोड़ी देर में। पीड़िता और उसके दोस्त के बीच हाथापाई हुई थी, ये इस तस्वीर के मुताबिक ये बात साफ होती है। कंझावला कांड का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो, ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से जो पुलिस ने जानकारी दी है कि दो लड़कियां थी, किस तरीके से पीड़िता की अपने दोस्त के साथ हाथापाई होती है। सड़क के किनारे स्कूटी खड़ा कर इन दोनों के बीच में काफी देर तक हाथापाई होती है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है। मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, आज ये बात खुलकर सामने आई कि लड़की के साथ उसकी एक और दोस्त भी थी, अब ये सबसे नई तस्वीर कि दोनों के बीच हाथापाई हुई है। बिल्कुल, देखिए जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें साफ दिख रहा है कि दोनों लड़कियां आपस में किस तरीके से लड़ाई कर रही हैं, और ये लड़ाई उस होटल के बाहर हुई है जहां पर ये 31st की पार्टी करने के लिए गए थे और वहां से उतरे हैं और वो झगड़ा हुआ है। जो बयान सुबह होटल स्टाफ ने दिया था, बताया था कि दोनों जो दोस्त थी उनके बीच में जमकर झगड़ा हुआ था, दोनों के बीच में गाली गलौज हुई थी, तो उसकी अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है कि ये जो पहला झगड़ा है, पहले जो झगड़ा जो होटल के अंदर हुआ था और उसके बाद जब होटल से बाहर निकल के ये लोग आए हैं वहां पर इनके बीच में झगड़ा हुआ है। और होटल स्टाफ ने कहा था जब इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था तो जो और गेस्ट थे उन्होंने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद इनको होटल से बाहर निकाला गया था, और जब अपनी स्कूटी पे बैठने जा रही थी उस दौरान इनके बीच में जमकर हाथापाई हुई है, जमकर झगड़ा हुआ है, जैसा होटल स्टाफ ने बताया था वैसे ही धीरे धीरे पुलिस को मिल रहे हैं। और 164 के बयान जो है वो मृतका के दोस्त के दर्ज किए जा रहे हैं और उससे जानने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ था और जब हादसा हुआ तो वो कहां चली गई थी, उनने पुलिस को क्यों नहीं बताया था। तो तमाम जांच जो है वो आगे बढ़ रही है और पुलिस जो है वो लगातार उसकी दोस्त के संपर्क में है, जिसके पहले 164 की बयान दर्ज कराए गए हैं और उससे आगे की पूछताछ भी जारी है। जी मोहित, लेकिन चूंकि जो उसकी दोस्त है उससे पूछताछ हो रही है, बयान भी दर्ज हो रहा है, क्या ये जानकारी मिली है कि दोनों के बीच किस बात को लेकर इतना बवाल हुआ कि सड़क के किनारे हाथापाई होने लगी, इसकी नौबत आ गई? देखिए ये दोनों दोस्त जो है काफी समय से एक साथ होटल के अंदर थे, इन्हीं के नाम पे होटल के रूम बुक हुए थे, उसके बाद इनके जो दोस्त थे वो वहां पहुंचे थे, उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन किया था और थोड़ी देर बाद यानी 12 बजे के बाद इनके बीच में झगड़ा होना शुरू हुआ था। और पहले झगड़ा होटल की लॉबी में हुआ था, वहां से जो दूसरे गेस्ट थे उन्होंने शिकायत की और उसके बाद होटल स्टाफ ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, और जब बाहर वो पहुंचे हैं जब पार्किंग थी जहां गाड़ी उनकी पार्क हो रखी थी वहां पर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। और झगड़ा जो है सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं। होटल स्टाफ से जब हमारे साथी रिपोर्टर्स ने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि वहां पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रही थी, वहां पे एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी और ये बाहर निकल के भी झगड़ा हुआ जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ देखने को मिला है। तो अब झगड़ा किस बात पे हुआ था इसकी जांच भी की जा रही है, ये भी 164 के बयान में लिया जाएगा। और ये जो मृतका की दोस्त है उससे लगातार पुलिस अब सवाल जवाब कर रही है और लगातार पुलिस उसके संपर्क में बनी हुई है। जी मोहित, आज भी जो दिल्ली पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें अपडेट सिर्फ इतना दिया गया कि एक दोस्त भी स्कूटी पर सवार थी, दोनों के बीच काफी देर तक बवाल भी हुआ था, ये अभी बहुत कुछ इसके पीछे बातें हैं जो खुलकर सामने आनी है और उसके बाद ही पता चलेगा कि 31 की रात आखिरकार हुआ क्या था। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी बातें हैं खुल के सामने आनी है, वो लड़के कौन थे जो उनके साथ पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया था उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, 4 लड़के बताए जा रहे हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था और झगड़ा जब हुआ था तो क्या झगड़ा काफी देर तक चला था, क्योंकि जिस तरीके से होटल स्टाफ बता रहा है कि होटल के अंदर कहासुनी हुई थी वहां पर झगड़ा हुआ था, वहां पर गाली गलौज हुआ जिसके बाद उनको बाहर किया गया, और बाहर जिस तरीके हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि दोनों आपस में कैसे लड़ाई कर रही है और कैसे हाथापाई कर रही है। तो फिलहाल अब इस मामले को लेकर भी लगातार पुलिस अपनी जांच कर रही है और जो लड़के हिरासत में ले गए उनसे पूछताछ की जा रही है और जो उसकी दोस्त है मृतका की दोस्त उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 164 के बयान में सब चीजें दर्ज कराई गई है कि आखिरकार उस रात क्या क्या हुआ था, कब वो इस मृतका से मिली थी, कब मृतका से मिलने के बाद वो होटल पहुंचे थे, होटल में पहुंच के एंट्री किसके नाम से थी और किस बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ था, जो लड़के आए थे वो लड़के कौन थे, उनसे इनका क्या रिश्ता है। तो तमाम बातें जो है वो पूछी जा रही है, तमाम बातें जांच में आगे बढ़ाई जा रही है। मोहित, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट का भी इंतजार, आज बहुत कुछ बातें खुलकर सामने आने लगी हैं, कुछ उस संदर्भ में कोई जानकारी बड़ी आपके पास, कोई उसमें पॉइंट बड़ा?
देखिए ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आई है उसमें अगर सूत्रों की माने पुलिस की तो प्राइवेट पार्ट पे कोई भी निशान नहीं मिला, यानी महिला के जो मृतका थी उसके साथ बलात्कार की बात जो है वो शुरुआती रिपोर्ट में सामने नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी आधिकारिक रिपोर्ट आने की इंतजार कर रही है, लेकिन पुलिस के सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि शुरुआती रिपोर्ट जो पुलिस के सामने आई है, जो उनकी बात हुई है वहां पे मेडिकल स्टाफ से, तो पता लगा है कि प्राइवेट पार्ट पर किसी तरीके के कोई भी चोट के निशान नहीं है। तो बलात्कार की जो बात है वो शुरुआती रिपोर्ट उसको दरकिनार की जा रही है। फिलहाल अभी आधिकारिक रिपोर्ट आने का इंतजार है, आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद पता लग पाएगा कि आखिरकार। ठीक है मोहित, मैं आपके पास आता हूँ एक बार फिर से। इस तस्वीर को जरा दिखाते हैं दर्शकों को, ये कंझावला कांड की सबसे ताजी तस्वीर है, सबसे लेटेस्ट वीडियो है। आप देखिए किस तरीके से सड़क के किनारे ये दो लड़कियां आपस में भिड़ जाती हैं, बहस होती है, उसके बाद स्कूटी से अलग हटकर सड़क के किनारे इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। एक लड़की रेड कलर की जैकेट में, दूसरी ऑफ व्हाइट, आप कह सकते हैं इस तरीके का कलर। पहले ये लोग होटल में थी, उसके बाद अंदर से झगड़ा होता है जो मोहित जानकारी दे रहे थे, उसके बाद इन्हें बाहर निकाला जाता है, वहां पर सड़क के किनारे भी हाथापाई शुरू हो जाती है। तो ये 31 तारीख की रात की ये तस्वीर है। 3 दिन हो चुके हैं, 13 किलोमीटर तक घसीटा गया ये जानकारी है, और लेकिन इन सबके बीच रहस्य क्या है, मिस्ट्री क्या है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।